आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। परवाणु की ट्रांसपोर्ट यूनियनों पर कब्जे की लड़ाई में पूरा शहर जाम। कांग्रेस प्रभारी की दो टूक, व्यक्तिवाद की राजनीति छोड़ें, पार्टी सर्वोपरि। इंदौरा में पत्नी पर द्राट से जानलेवा हमला, पति गिरफ्तार। समुद्र नापकर घर लौटी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्बाल का भुंतर में जोरदार स्वागत। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। परवाणु में ट्रांसपोर्ट यूनियनों पर कब्जे को लेकर सोमवार को पूरा शहर जाम हो गया। सरकार बदलने के साथ ही दो गुटों के बीच कब्जे को लेकर पनपा विवाद यूनियन कार्यालय से सीधे सड़कों पर आ पहुंचा। बताया जा रहा है कि भाजपा समर्थित गुट ने सोमवार की सुबह एक के बाद एक परवाणु की पिकअप यूनियन, 407 टेम्पो यूनियन व कैंटर यूनियन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद दूसरे गुट ने कब्जा वापसी का विफल प्रयास किया। इस दौरान पथराव भी हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी हाई अलर्ट कर पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी। किसी भी यूनियन से सोमवार को माल ढुलाई का काम नहीं किया गया। इस पूरे प्रकरण में ही पुलिस मूक दर्शक बनी नजर आई। मनसुख जी, कितनी देर से रुके हैं यहाँ पे? मेरे को एक घंटा होना है। एक घंटा? कहाँ कहाँ का रूट है आपका? चंडीगढ़ थानादार बुटी। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है आपको? आगे ट्रक रोड में लाई हुई, रोड ब्लॉक किया हुआ। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में नेताओं का तिलिस्म तोड़कर विचारधारा पर आगे बढ़ेगी। कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने दो टूक कहा है कि अब किसी नेता की नहीं चलेगी, बल्कि कार्यकर्ताओं को अधिमान दिया जाएगा। पार्टी व्यक्तिगत राजनीति के बूते आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि अब तक जो हुआ वह हुआ, आगे नहीं चलेगा। सोमवार को रजनी पाटिल ने नेताओं से प्रदेश की राजनीति को लेकर फीडबैक लिया, किस तरह से यहां कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए जिससे राहुल गांधी के हाथ मजबूत हों। इस पर हर एक नेता से बात की गई। ये दौर अभी बुधवार तक चलेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हंसी हंसी में ही सही मगर मन की बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले कोई और बन रहा था, लेकिन अब जयराम हैं तो हैं। मैं जीता हूं इसलिए आप मुझे भी स्वीकार करें। उनकी इस बात में कोई अचरज नहीं, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां जैसी भी रही हैं, अब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और प्रदेश की सत्ता को भली प्रकार संभाल रहे हैं। मौका था शिमला प्रेस क्लब के एक कार्यक्रम का, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हल्के अंदाज में यह बात कही। हिमाचल आगे बढ़े, सरकार उसका उसके लिए काम करेगी, आप सबका उस दिशा में सहयोग पॉजिटिव हमको सबको मिलता रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और स्वाभाविक रूप से जो हम एक बात कहते हैं कि हमारा हिमाचल अलग पहचान के साथ पूरे देश दुनिया में जाना जाए, उस दृष्टि से जो जो भी सुझाव आपकी दृष्टि से उपयुक्त लगते हैं आप कभी भी हमको कहिए, हम उनको पूरा करने की दृष्टि से जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। इंदौरा की इंदपुर पंचायत में पति ने पत्नी पर द्राट से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात देर रात 2:30 बजे की है। स्थानीय लोगों ने महिला को इंदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। परिवार के लोगों के बयान दर्ज किए हैं। हैरानी की बात यह है कि पत्नी को गंभीर रूप से घायल करने के बाद पति ने खुद ही मोहल्ले में शोर मचाया कि कोई मेरी पत्नी को दराट से हमला कर घायल कर गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों में अक्सर झगड़ा रहता था।
इंदौरा थाना प्रभारी संदीप पठानिया ने मामले की पुष्टि की है। सागर परिक्रमा से विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जम्बाल का घर पहुंचने पर सोमवार को जोरदार स्वागत किया गया। दुनिया को समंदर के रास्ते नापने वाली टीम तारिणी का हिस्सा रही मोहल निवासी प्रतिभा ने समंदर में 254 दिनों के सफर के अनुभव को भी सबके साथ साझा किया। मोहल पंचायत समिति ने हिमाचली बेटी का स्वागत करते हुए उन्हें सम्मानित किया। प्रतिभा जम्बाल के अभिभावक भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रतिभा जम्बाल के पिता रवि जम्बाल और माता द्रौपदा जम्बाल सहित अन्य परिजनों और स्थानीय लोगों ने उनके सफर की सफलता पर शुभकामनाएं दी। और उसके आने के बाद हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और को कॉल ऑन किया और इसी बीच हमें नारी शक्ति पुरस्कार मिला, जो कि एक सिविलियंस के लिए एक सबसे बड़ा पुरस्कार है इन फॉर विमेन, जिसके लिए हमें हम श्रीमती मेनका गांधी जी से मिले रिसेंटली दिल्ली में। नागरिक सभा, महिला समिति, जनवादी नौजवान सभा, SFI, दलित शोषण मुक्ति मंच व C2 ने पानी के मुद्दे पर प्रदेश सरकार व नगर निगम पर हल्ला बोला। इस दौरान प्रदेश सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और सरकार व नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सुबाथू छावनी के पार्षद व शंकर बोरवेल एंड इंजीनियर फर्म के मालिक मनीष गुप्ता ने अपनी स्वर्गीय माता किरण गुप्ता की तीसरी पुण्यतिथि पर सुबाथू वासियों को बोरवेल समर्पित कर एक नई मिसाल कायम की है। मनीष गुप्ता ने बताया कि इस बोरवेल के निर्माण में करीब 1.5 लाख का खर्चा आया है। इस बोरवेल से प्रतिदिन 30,000 लीटर पानी इकट्ठा किया जाएगा। इसका निर्माण मधुबन पार्क के पास किया गया है। आज हमने छावनी परिषद को अपनी माताजी की पुण्यतिथि पे एक बोरवेल की सौगात दी है। इस बोरवेल से तकरीबन 30,000 लीटर पानी जो है स्पाटू वासियों को मिलेगा और आने वाले समय में भी स्पाटू वासियों को पानी उपलब्ध करवाने की हमारी प्रतिबद्धता है। तकरीबन 1 साल बाद हमारी स्पाटू छावनी एक ऐसी छावनी बनेगी जिसकी पानी की निर्भरता अपने ऊपर ही रहेगी और तकरीबन MES के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए ऐतिहासिक चंडी महल के चीथड़े उड़ाए जाने लगे हैं। अस्थायी तौर पर चल रहे कॉलेज की खातिर ऐतिहासिक धरोहर का वजूद मिटाया जाने लगा है। प्रशासन ने बड़ी बेरहमी से इसके परिसर में बने टेनिस कोर्ट को उखाड़ फेंका है। टेनिस कोर्ट पर चंबा रियासत में यहाँ टेनिस प्रतियोगिता होती रही। राजा श्याम सिंह के समय से 1890 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद ब्रिटिश कालीन अधिकारी और रियासत कालीन राजा यहां टेनिस खेला करते थे, परंतु चंबा में मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद टेम्परेरी क्लासरूम बनाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने इसे उखाड़ दिया। चंबा की विभिन्न समाज सेवी और अन्य संगठनों में इससे काफी रोष व्याप्त है। ज्ञात रहे कि दिव्य हिमाचल वेब TV इससे पहले भी चंडी महल के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे पर प्रशासन को जगा चुका है। ऐतिहासिक अखंड चंडी महल का जो कोर्ट बैडमिंटन कोर्ट कम्प्लेक्स था, उसमें प्रिंसिपल महोदय ने बिना किसी प्रशासनिक मंजूरी के उस वहाँ तोड़ फोड़ करके वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करने की मुहिम चलाई हुई थी, जो कि जायज़ नहीं, क्योंकि ये अखंड चंडी पैलेस जो है ये चंबा के राजाओं द्वारा, पूर्व के राजाओं द्वारा बनाया गया पैलेस था, जो कि ऐतिहासिक धरोहर में दर्ज है।
तो हम यही आग्रह करते हैं कि मेडिकल कॉलेज चंबा जो है वो सरौल में जो चयनित जगह है भेडू फार्म में 125 बीघा ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित है, वहीं पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। चंबा मेडिकल कॉलेज चंबा के जो ऐतिहासिक हमारा महल है उसके अंदर टेम्परेरी क्लासरूम चलाने के लिए अनुमति सरकार ने प्रदान की थी। बड़ी हैरानी होती है कि इतने गुणीजन लोग, इतने पढ़े लिखे लोग जिला प्रशासन के नाक तले आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसमें ऐतिहासिक धरोहरों के 100 मीटर के बीच में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, ऐसी उनकी नोटिफिकेशन निकल चुकी है, उसके बाद भी चंबा जो ऐतिहासिक धरोहर है महल उसके अंदर डिगिंग की गई जा रहा है। अब निर्माण कार्य को रोक देना ही समस्या का हल नहीं है, मैं ये बोलता हूँ उस ऐतिहासिक धरोहर के साथ, उस दरबार हॉल के साथ, उस चित्रकारी हॉल के साथ, उस बिल्डिंग के साथ, उस टेनिस कोर्ट के साथ जो छेड़खानी की गई है, जो डिगिंग हुई है, इसके ऊपर कानूनी FIR दर्ज होनी चाहिए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए चंबा से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। और अब चलते चलते नहीं रहे फ्रीडम फाइटर हरि सिंह, मंडी के टिहरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। मनाली लेह मार्ग बंद, जिंगजिंग बार के पास पहाड़ी दरकने से सैकड़ों वाहन फंसे। सुजानपुर बाजार में बेकाबू घोड़ी की दुलत्ती से सुनार की दुकान टूटी, हजारों का नुकसान। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं सुनील राणा का गाया यह चम्याली लोकगीत। दिव्य हिमाचल न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी। बद्दी यूनिवर्सिटी एक ऐसा नाम जो आज के तकनीकी युग में स्टूडेंट को शिक्षित ही नहीं कर रही, बल्कि स्कॉलरशिप से लेकर वो सारी सुविधाएं मुहैया करवा रही हैं, जिनके बूते यहां से निकले छात्र आज बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकाम हासिल किए हुए हैं। बद्दी यूनिवर्सिटी में बीटेक, एमटेक, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा के साथ साथ बीएससी, एमसीए, एमएससी, बीबीए और एमबीए के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। एकेडमिक अडॉप्शन के तहत स्टूडेंट को शिक्षा के साथ कंपनियों में काम करने का मौका दिया जाता है। हर साल 100 से अधिक बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट देती हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।